जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों का आज का फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 10 पे वेरनील क्लिपर। आपको याद है कि लास्ट हमने पेज नंबर 9 को रीड आउट किया था और मेजरिंग टेप तक आपने टॉपिक को लर्न आउट किया था, पढ़ा भी था, समझा भी था और नेक्स्ट डे आपने सुनाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वेकेशंस हो गई। बट आज हम फर्दर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं हमारी, तो मैं आगे से उसको लेकर चलूँगा इंशाल्लाह ताला। तो यूँ है कि जी, ये वर्नियर क्लिपर आपका टॉपिक है आज का। वर्नियर क्लिपर ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप क्लास में होते बेटा तो मैं फ़िज़िकली ज़रूर इसको आपको दिखाता, सबको बताता कि ये फ़िज़िकल इसकी अपेयरेंस किस किस्म की है, आप सबको इंस्ट्रूमेंट देता ताकि आप लोग इसको वॉच कर सकते आसानी से। बट अब नहीं है तो बुक से ही गुजारा करना पड़ेगा हमें। तो यूँ है कि ये वर्नियर क्लिपर आज का हमारा टॉपिक है। हमने देखा था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने जब 1 मीटर तक कुछ मेजर करना था चीज़, तो हम इजीली मीटर रूल का इस्तेमाल कर सकते थे। जब 1 मीटर से ज़्यादा हमने करना था तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हमें फिज़िक्स ने दिया था, वो मेजरिंग टेप था। अगर हमने छोटा, बहुत छोटा, जो हमारे पास बिलफर्ज देखिएगा कि 1 मिलीमीटर तक हमारी लीस्ट काउंट था हमारे मीटर रूल का, कितना था 1 मिलीमीटर तक, कितना था 1 मिलीमीटर तक हमारा लीस्ट काउंट था। बट जब हम वर्नियर क्लिपर पे आते हैं और मैं अगर ये बात कहता हूँ कि हमारे पास जो 1 मिलीमीटर तक की एग्जैक्ट अच्छी मेजरमेंट आए, बिल्कुल सही मेजरमेंट आए, तो मैं मीटर रूल से मतलब मेजर कर सकता हूँ। बट अगर मुझे 1 मीटर एक एमएम से छोटी चीज़ चाहिए हो तो मैं उसकी मेजरमेंट को कैसे करूँगा? तो उसकी मेजरमेंट को करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट वो है वर्नियर क्लिपर। ये इस तरह का एक क्लिपर होता है। क्लिपर इसलिए कहते हैं कि इसके दो जॉज होते हैं। ये देखिएगा जिस तरह से ये दो जॉज हैं, जॉज जबड़े को कहते हैं। जबड़े से मुराद जैसे आप के जो दांत हैं इनको ज़रा थोड़ा सा मुंह अगर ओपन करेंगे आप, तो आप इसके दरमियान में अगर कुछ चीज़ रखते हैं तो वो दो जॉज, दो जबड़ों के दरमियान में फंस जाएगी वो चीज़। तो इसी तरीके से इसके ये दो जॉज हैं, इसके दरमियान में हमने जो भी चीज़ मैयर करनी होती है बेटा वो हम इसके दरमियान में फिट करते हैं। इसका स्क्रू होता है ऊपर, उसको टाइट कर देते हैं। ये इसका मेन स्केल है, ये सारा जो स्केल है ये मेन स्केल है। कौन सा स्केल है? मेन स्केल है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्केल है ये मेन स्केल है, और ये जो अंदर यहाँ वाला स्केल है ये स्केल इसका वर्नियर स्केल है। कौन सा स्केल है जी? वर्नियर स्केल। और तीसरी बात ये आ जाती है इसके जॉज, इसको आउटर जॉज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आउटर जॉज। ये जॉज के दरमियान में हम इस तरह से किसी भी सिलेंड्रिकल शेप को जो राउंड शेप में हो उसको टाइट करते हैं, फंसाते हैं, और फिर उसकी मेजरमेंट हमारी हम इस मेन स्केल से और वर्नियर स्केल से प्रॉपर रीडिंग लेकर इसकी मेजरमेंट लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वर्नियर क्लिपर क्या है। इंशाल्लाह ताला क्लास में जब हम आएंगे तो प्रॉपरली इसके ऊपर मैं ज़रूर आपको ब्रीफली एक छोटा सा लेक्चर दोबारा दूंगा। तो आपने बेटा करना क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से शुरू करना है। आपने यहाँ से लगा लीजिएगा निशान इसका। अ वर्नियर क्लिपर कंसिस्ट ऑफ टू जॉस। वर्नियर क्लिपर दो जबड़ों पर मुश्तमिल होता है। एज शोन इन द फिगर, फिगर 1.0 को काट देना है आपने, जैसा कि आप अपनी इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस लाइन का मतलब था, तो आपने यहाँ तक लाइन लिखने के बाद इसकी डायग्राम बनानी है नीचे अपनी नीट कॉपी पर। देन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे आप डायग्राम को। डायग्राम बनाने के बाद अब यहाँ से लिखेंगे वन इज फिक्स जॉ। वन फिक्स जॉ है जो कि मूव नहीं होता, विद द मेन स्केल अटैच्ड टू इट, और इसी मेन स्केल के साथ, ये फिक्स के जॉ के साथ मेन स्केल अटैच किया जाता है। इस फिक्स्ड जॉ के साथ मेन स्केल को अटैच किया जाता है। तो क्या होता है जी फिर?
मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स मार्क्स ऑन इट। आप गौर कीजिएगा इस पे जो मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मार्क्स सारे सेंटीमीटर में हैं। किस में हैं? सेंटीमीटर में। और इनके दरमियान में जो ये छोटी 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 लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मिलीमीटर्स हैं। क्या हैं जी? मिलीमीटर्स हैं। इसके बाद क्या होता है जी? द अदर जॉ इज़ मूवेबल जॉ। अदर जॉ, ये जो दूसरा जबड़ा होता है, ये वाला, ये एक मूवेबल जॉ है। उसने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, मूवेबल जॉ है। इट हैज़ अ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट। और इसको ज़रा गौर से देखिए तो इस पे 10 रीडिंग्स हैं, 0 से लेकर 10 तक, जो कि इस 0 से 1 तक की डिवीजन को शो कर रही हैं। इस 0 से लेकर 10 तक सेंटीमीटर, एक 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर बनता है, लेकिन इसके दरमियान में जो 10 रीडिंग्स हैं वो एक एक रीडिंग, एक एक मिलीमीटर को काउंट करती है। सो इट हैज़ द वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच डैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। कि इसके अंदर जितनी आपको डिवीजन्स शो होती हैं वो शो होती हैं 0.9 मिलीमीटर को शो करती हैं। नेक्स्ट फिगर आती है, बात आती है कि द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल। के एक डिवीजन जो हमारी मेन स्केल पर होती है और एक वर्नियर स्केल पर, यानी कि इस स्केल पर जो रीडिंग है और इस स्केल पर जो रीडिंग है, वो रीडिंग हम लेते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना रहता है? हमेशा 0.1 मिलीमीटर का रहता है। कितना रहता है? 0.1 मिलीमीटर का रहता है। इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट, और यही इसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर क्लिपर का। आप देखिए यहाँ पे आपने लीस्ट काउंट पढ़ा था 1 मिलीमीटर, दस 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग डैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था, जबकि वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। आप यहाँ पे जब आएंगे इधर तक, ठीक है, तो आपने जब क्वेश्चन लिखा, यहाँ से यहाँ तक लिखा, उसके बाद डायग्राम बनाए, उसके बाद यहाँ से इसको एक्सप्लेन किया, यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद एक हेडिंग बनाएंगे लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल ऑन द मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल इज 0.1 mm। इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर, यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय, यहाँ पे आप लिखिएगा कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय, गिवन बिलो के नीचे लिख दीजिएगा फॉर मूला की हेडिंग बनाइएगा, यहाँ पे आके हेडिंग बनाइएगा फार्मूला की। फार्मूला की हेडिंग के बाद ये फार्मूला लिखिएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग आपने 1 मिलीमीटर की, 1 मिलीमीटर के अंदर कितनी डिवीजन्स थी बेटा? 10 डिवीजन्स थी। 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ गया। क्या आया जी? 0.1 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल है, इंशाल्लाह ताला क्लास में एक्सप्लेन करूँगा कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आगे और पीछे कैसे लेकर जाना होता है। हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे, उस प्रीफिक्सेस के मुताबिक ये काम हमने करना है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है, और जहाँ तक आप याद भी करेंगे और इसको अच्छी तरीके से लिख कर परफॉर्म भी कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए बेटा तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।